नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक नाम काफी चर्चा में बना हुआ है, वो नाम है दिव्या मदेरणा का। जी हाँ, ओसियां से विधायक दिव्या मदेरणा इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई हैं। वो अक्सर अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। सरेआम मंच से सीएम अशोक गहलोत को हिदायत देती हुई भी अक्सर वो नजर आ जाती हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दिव्या मदेरणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं। इन अटकलों पर विराम लगाते हुए किस तरीके से दिव्या मदेरणा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हैं, वो आपको बता देते हैं। दरअसल राजस्थान में विपक्ष के नेता कानून व्यवस्था के खस्ता हालात को लेकर लगातार अशोक गहलोत सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के विधायक दिव्या मदेरणा ने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जोधपुर में राजीव गांधी थर्ड फेस लिफ्ट कैनाल योजनाओं के शिलान्यास के कार्यक्रम के दौरान दिव्या मदेरणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदमाशों से सख्ती से निपटने को लेकर हिदायत दे डाली थी। लेकिन अब जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, उसमें ये साफ जाहिर होता हुआ नजर आता है कि कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रही हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें जो अक्सर सामने आती रही हैं, उस पर दिव्या मदेरणा की अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि हम आपको बता दें, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना के शिलान्यास के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कहा था कि जोधपुर की जनता को राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल योजना की सौगात देकर आपने बहुत ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, इसे सुधारा जाए। देखने लायक बात यह थी कि मंच पर उस दौरान दिव्या के धुर विरोधी और गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी भी मौजूद थे। बहरहाल दिव्या मदेरणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन क्या दिव्या मदेरणा कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रही हैं, इस पर संशय बना हुआ है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको बताते चले, दिव्या मदेरणा को सीएम पद बनाने के लिए भी आगे किया जा रहा था। जैसे कि खबरें आ रही थी, दिव्या मदेरणा सीएम पद की उम्मीदवार होने जा रही थी, ये बात कही जा रही थी। लेकिन अभी जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान की सियासत में लगातार उठा पटक देखने को मिल रही है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लगातार जो है वो खबरें चलती हुई नजर आ रही हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट के लिए सीएम पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं सचिन पायलट भी बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।